हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है भू नक्शा। भू नक्शा दोस्तों एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, जिसके थ्रू जो है आप उत्तर प्रदेश या भारत के जिन राज्यों में इनका डेटा अवेलेबल है, वहाँ से आप अपनी ज़मीन का नक्शा देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भू नक्शा के नाम से, आपको सिंपल गूगल पर लिखना है भू नक्शा, और भू नक्शा पे खोलने पर आपको कुछ पेज है आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करके आप स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील और गांव। जैसे आप करेंगे तो आपको जो है वो पर्टिकुलर लैंड की डिटेल जो है आपको मिल जाएगी, और आप उस पर्टिकुलर लैंड की डिटेल पर आप जस्ट टिक करके अपने उस डिटेल, मान लीजिए आप कराकर इस पॉइंट पर टिक करेंगे तो उसके रिलेटेड जितने लोग का नाम है यहाँ पर ये जो है इजीली शो कर देता है। तो दोस्तों भू यानी ज़मीन का नक्शा, जिसको हम अपनी सही स्थिति, अपनी ज़मीन की सही स्थिति को देखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है ये सरकार द्वारा तैयार किया गया है, जैसे बताया भूनक्शा.com। भू नक्शा उत्तर प्रदेश और राजस्थान जो भी आप जिस भी स्टेट्स के हैं बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप इसको ईज़िली जो है वो दे सकते हैं। सरकार ने ये नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी NLRMP लागू करने की योजना बनाई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संस्थान DOLR ने में भूमि रिकॉर्ड CLR और राजस्व प्रशासन को मजबूत करने और भूमि रिकॉर्ड यानी RRA और ULR को समाहित करके किया गया है, और इसका मुख्य मकसद पारदर्शिता को बढ़ाना है, लोगों को लैंड टाइटल को लेकर मदद करना है, और देश भर में जो भूमि विवाद हो रहे हैं या हैं उनको जोखिमों को कम करना है। तो दोस्तों डेफिनेटली आपको जो है बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, और अगर आपकी ज़मीन है शहर में, गांव में, जहां पर भी है, तो आप अपनी लैंड डिटेल्स को इस भू नक्शा वेबसाइट के थ्रू आप जो है ईज़िली जो है वो चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।